हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि सेकेंड राउंड की जो आयुष की काउंसलिंग है हरियाणा के अंदर, उसका जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। आप सभी स्टूडेंट वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल एक बार इन शॉर्ट 2 मिनट के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि शेड्यूल कैसे क्या रहने वाला है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन 12 से 15 के बीच में, और कॉलेज प्रेफरेंस आपको यहीं पे इसी के बीच में अपनी कॉलेज प्रेफरेंस जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है, वो आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पर ये आपका 12 से 15 आपका रजिस्ट्रेशन होगा। देन आफ्टर दैट एक 12 तारीख को ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को पीजीआईएमएस ऑफिस बुलाते हैं। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप का जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन बच्चों को 12 को रिपोर्ट करना था। इट मीन्स अगर 12 को नहीं कर पाए हैं देन वो आगे 13th को भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका शेड्यूल में दिया गया है। नेक्स्ट आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट्स, जो भी सीट्स हैं उनका सीट एलोकेशन आपका डिस्प्ले होगा। और आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट आगे सबमिशन ऑफ ग्रेवियंस थ्रू ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, जो भी ऑनलाइन आपके डिटेल्स होंगे वो सबमिट किए जाएंगे, वो आपका प्रॉपर होगा। देन आपका फाइनल सीट आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, जो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल सीट एलोकेशन ऑफ सीट्स आफ्टर ग्रेवियंस री एड्रेसल। तो ये सारी चीजें होंगी 19 तारीख को। 19 के बाद आपका जो नेक्स्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट हु गॉट एलोकेशन इन द प्रोविजनल लिस्ट, इस लिस्ट में जिन बच्चों का, जिन भी कैंडिडेट्स का नाम होगा, उनको सबमिट ट्यूशन फी ऑनलाइन फ्रॉम द गेटवे ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के गेटवे से अपनी फीस पे करनी है 20 से 23 तारीख के बीच में, 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में। हालांकि पैरेलली और भी काउंसलिंग चल रही है, आपका यूपी की काउंसलिंग चल रही है, पंजाब का भी सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया है, और भी कई सारे स्टेट वाइज काउंसलिंग आपके चल रहे हैं, तो उनको उन पर भी आप नजर बनाए रखें। अगर आपकी स्कोरिंग थोड़ी सी कम है तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलग अलग काउंसलिंग्स में। और स्पेशली जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कुछ मार्किंग कम रहा है, उनको मैं बोलूंगा कि आपको अगर मनपसंद या बढ़िया कॉलेज या एक अच्छा क्वालिटी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप और भी अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फीस आपको पे करनी है ऑनलाइन, यूनिवर्सिटी के गेटवे से पे होगी। देन आपको फीस पे करने के बाद 20 से 24 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपना जो सीट अलॉटमेंट लेटर प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको करनी है और आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा। फाइनल स्टेटस फ्रॉम द कॉलेज रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड इन एंड वैकेंट राउंड। तो ये कि जिन बच्चों को सेकेंड, इसके बाद भी अगर जो सीट वैकेंट रहेंगी उसके लिए मॉपअप राउंड कंडक्ट होगा, और मॉपअप राउंड में जो भी 24 तारीख के बाद आपको वेबसाइट पे अपडेट आएगा, इन केस अगर आपको सेकेंड राउंड में किसी भी बच्चे को सीट नहीं मिलती है तो वो इसके बाद भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रहे कि आगे आपका जो 24th को पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ सीट्स फुल हो गए, कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट है, उसके बाद आपका मॉपअप राउंड कंडक्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आपके सारे वीडियोस बनाते रहते हैं और आपको अपडेटेड बनाए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।